केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया है कि 2024 में विपक्ष के लोगों को लगेगा 440 वोल्ट का झटका। और केंद्रीय मंत्री ने रामपुर में कहा है कि जो अभी 40 का झोल दिखाई दे रहा है वो 2024 में विपक्ष को 440 का झटका बनता दिखाई पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मोदी को हटाने की हट पर है, जनता का मोदी जी को दोबारा लाने का संकल्प भारी पड़ रहा है। महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ है कल, उसको हम यही कह सकते हैं कि जो ये 40 का अभी झोल दिखाई पड़ रहा है 24 में 440 का झटका दिखाई पड़ेगा। वो इसलिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने विपक्ष के सारे राजनीतिक गणित को बिगाड़ दिया है, तो एक तरफ काम की गिनती और दूसरी तरफ विपक्ष का बिगड़ा हुआ गणित। आज जो है वो मोदी जी को हटाने की जो इनकी हट है उस पर जो है वो देश की जनता की मोदी जी को दोबारा लाने की का जो संकल्प है वो भारी पड़ रहा है। वहीं गुरु पूर्णिमा पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा के साथ गौ सेवा भी की है। आपको बता दें कि गुरु शिष्य परंपरा की चर्चा बिना नाथ पीठ की चर्चा के पूरी नहीं होती, क्योंकि ये परंपरा इस पीठ का मूल है और नाथ योगियों की ताकत भी है। इस परंपरा को कायम रखकर ही नाथ पीठ ने गुरु के प्रति आस्था और सम्मान को कायम रखने का संदेश पूरी दुनिया को दिया था, साथ ही दुनिया के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। वहीं गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जनता दरबार लगाई और लोगों की फरियादें सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कई मामलों के ऑन स्पॉट निपटाने का निर्देश भी दिया। सीएम के जनता दरबार में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी समस्याओं से लोगों को अवगत कराया। और अब आपको एक साथ आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने सबसे पहले गुरु पूर्णिमा पर गुरु को नमन किया और इसके बाद जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, एक तरफ जहां गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने गुरु की पूजा की, अर्चना की, वहीं दूसरी तरफ पूजा के बाद जनता दरबार लगाया उन्होंने, जहां लोगों की समस्याएं सुनी और उसका समाधान पाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।